हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना कार्य करेंगे। चलिए आज हम करेंगे एससीईआरटी द्वारा दी गई वर्कशीट दिनांक 28 मार्च 2022, क्रमांक संख्या 56, आज की कार्यपत्रिका कक्षा 5 की है। यहाँ पर ए बी सी आपका जो भी सेक्शन हो लिख लीजिएगा। ये पठन अभियान की वर्कशीट है, 11वां सप्ताह, विषय थीम स्वच्छता का महत्व। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका का नाम। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए देख लेते हैं वर्कशीट में दिया क्या है। बच्चों, हम सब को साफ सफाई बहुत पसंद है, तो चलिए देखते हैं कि राजू ने अपनी माँ को साफ सफाई के बारे में क्या क्या जानकारी दी और उसने स्वयं को और अपने परिवार को बीमारी से कैसे बचाया। तो चलिए बच्चों, राजू ने अपनी माँ को साफ सफाई के बारे में कौन सी जानकारी दी, चलिए देखते हैं। रामगढ़ में लोग बीमार हो रहे थे, डॉक्टर ने बीमारी का कारण मक्खियों से संक्रमण बताया है। रामगढ़ के पास एक कूड़ेदान है, उस पर ढेर सारी मक्खियाँ रहती हैं। वे उड़कर सभी घरों में जाती हैं और वहाँ खाना दूषित कर देती हैं और वहाँ रखा हुआ खाना दूषित कर देती है। तो रामगढ़ में लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर ने मक्खियों से संक्रमण बताया है। इस बीमारी को जो मक्खियाँ वहाँ कचड़ों पर कूड़ों पर बैठती हैं और घर में जाकर सारे खाने को दूषित करती हैं, उस खाने को खाकर लोग बीमार हो रहे हैं। राजू 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसकी मैडम ने मक्खियों के कारण फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। राजू ने मक्खियों को भगाने की ठान ली। तो ये मक्खियों से बहुत सारी बीमारियां होती बच्चों, मक्खियां गंदगी पर बैठती हैं और आकर हमारे खाने को दूषित करती हैं। चलिए देखते हैं, घर आकर राजू ने अपनी माँ को मक्खियों से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। मक्खियाँ हमारे खाने को दूषित कर देती हैं और घर में आकर गंदगी फैलाती है, इन्हें घर से भगाना चाहिए। राजू बाजार से एक फिनाइल की बोतल लेकर आ गया। फिनाइल के पानी से घर की साफ सफाई हुई, रसोई में खाने पीने की चीज़ों को ढकवा दिया गया, जिसके कारण मक्खियां घर से बाहर भाग गई। राजू ने मक्खियों को फिर घर के अंदर कभी आने नहीं दिया। तो यहाँ पे राजू ने देखिए फिनाइल की बोतल लाई, घर की साफ सफाई की और खानों को इस तरह से ढककर रखा खाने की चीज़ों को, जिसके कारण मक्खियाँ वहाँ से भाग गई और फिर राजू ने कभी मक्खियों को घर के अंदर आने ही नहीं दिया। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। भाग संख्या 1, प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी बाजार में खाना खाया है? यदि हाँ तो क्या वह खाना ढका हुआ था? तो यहाँ पे बच्चों, क्या आपने कभी बाजार में खाना खाया है? हाँ, मैंने बाजार में खाना खाया है, पर खाना ढका हुआ नहीं था, क्योंकि बाजार में अधिकतर खाना ढका हुआ नहीं होता है। बाजारों में खुला खाना ही बिकता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, वहाँ ढका नहीं जाता। प्रश्न 2, भाग संख्या 2, आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों की सफाई का ध्यान किस प्रकार रखते हो? तो आप अपने घर में खाने पीने की चीज़ों का साफ सफाई कैसे रखते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। खाद्य पदार्थों को ढककर रखते हैं, खाने पीने की जगह को साफ रखते हैं, मच्छर मक्खियों से बचाव करके आदि फल सब्जियों को धोकर प्रयोग करते हैं। तो हम इस तरह से खाने की सफाई, खाने पीने की चीज़ों की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे या क्या समझाओगे? अपने शब्दों में लिखिए। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति कूड़ा फेंक रहा हो तो आप उसे कैसे समझाओगे बच्चों? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 का उत्तर, यदि मेरे सामने कोई व्यक्ति सड़क पर कूड़ा फेंक रहा हो तो मैं उसे वहाँ पर कूड़ा ना डालने के लिए कहूँगी और कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, क्योंकि इधर उधर कूड़ा डालने से कई बीमारियाँ फैलती हैं और हमारा वातावरण भी दूषित होता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी, आप क्या सलाह देना चाहते हैं वो आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। मजेदार गतिविधि, प्यारे बच्चों, आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करोगे? अपने अध्यापक अध्यापिका को अपने विचार साझा कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों, आपको लिखना नहीं है, आपको बताना है कि आप अपने विद्यालय की साफ सफाई किस प्रकार करोगे, ये अपने अध्यापक
और अध्यापिका को बताना है। तो मैं तो इस तरह से बताऊंगी, मैं अपनी कक्षा की समय समय पर सफाई करके और कचड़े को इधर उधर या मैदान में ना डालकर कूड़ेदान में ही डालूंगी और अपने विद्यालय के आसपास स्वच्छता रखूंगी और सभी को वहाँ पर पोस्टर वगैरह बनाकर सभी बच्चों को कहूँगी कि इधर कूड़ा ना डालें और साफ सफाई रखें जिससे बीमारी ना फैले, इस तरह का संदेश दूंगी। आप अपने गतिविधियाँ खुद से लिख सकते हैं बच्चों, जो भी आपका दिल करे। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को समझाएं कि स्वयं की सतर्कता से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोएं बच्चों। नियमित रूप से धोएंगे तो कोरोना भागेगा और हम जीतेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय।